बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो है आज शहर के गांधी मैदान में मगध प्रमंडल आयुक्त समक्ष एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में प्रतिरोध दिवस के रूप में बिहार सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध मार्च निकाला गया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों शिक्षक मार्च में शामिल थे। बता दें कि आज अपनी मांगों को लेकर पूरे बिहार में एक दिवसीय प्रतिरोध मार्च निकाला गया था। वहीं इसका असर राजधानी पटना में भी देखने को मिला। जिस तरीके से लगातार नई नियमावली को लेकर के विरोध जो हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो तमाम जो शिक्षक हैं, अगर बात करें संजीव श्याम सिंह की, उन्होंने भी जो है क्या कुछ कहा है, राकेश कुमार सिंह ने जो है क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। शिक्षकों की काफी लंबी से समय से ये ग्रीवांसेस है, शिक्षकों की लंबी समय से ये ग्रीवांसेस चली आ रही है, इसके पर आपकी तरफ से क्या पहल होगी? शिक्षक लगातार जब से नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं उसी समय से संघर्ष चल रहा है। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए लगातार जो है लोग शिक्षकों ने आंदोलन किया है और उसके उपरांत सरकार ने दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार ने 2023 की नियमावली बनाई है वो पूरी तरह से शिक्षा और शिक्षकों के विरोध, जो पुराने शिक्षक हैं उनको तो एक तरह से अपमानित करने वाला यह नियमावली। ये शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि हमें पूर्ण वेतनमान मिले, हमें सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, हमें जो है बेसिक वेतन पर जो है हमको पीएफ मिले, हमको जो है अर्न लीव जो है उसका पेमेंट हो, हमको अंतर नियोजन स्थानांतरण हो, एमएससीबी का लाभ मिले। तो ये सब चीज़ नहीं सरकार देते और एक प्रतियोगिता के माध्यम से उनको सरकारी कर्मी देने की बात कर रही है सरकार, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। हम समझते हैं पूरी तरह से गलत है। उनको बहाली करना था, नए तरीके से बहाल करना था, वो बहाल करते, लेकिन पुराने शिक्षकों को तो उनकी मांग के अनुसार उनको सरकारी कर्मी बनाना चाहिए, उनका वेतन बढ़ोतरी करना चाहिए और उनका वेतन जो है नए शिक्षकों से ज़्यादा होना चाहिए। जो 15 साल से है, 10 साल से है, उनका वेतन ज़्यादा होना चाहिए और पुरानी जो मांगे हैं एमएससीबी की मांग है 10 साल 20 साल 30 साल, इन सभी मांगों को दरकिनार कर दिया, अंतर नियोजन स्थानांतरण को दरकिनार कर दिया और नई बात शुरू कर दी। ये पूरी तरह से इसमें शिक्षा का कोई विकास होने वाला नहीं है, पूरी तरह से शिक्षकों में असंतोष रहेगा, वातावरण हमेशा विद्यालय में तनावपूर्ण रहेगा और जो हम उम्मीद पाल रहे, जो सरकार उम्मीद पाल रही है कि शिक्षा में सुधार होगा, पूरी तरह से यह उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाएगी। मई 2023 को नई शिक्षक नियमावली जो आई है उसके विरोध में हम लोग आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया है कि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहेंगे। किसी भी सूरत में सरकार को हमारी बातों को मानना होगा, इसके लिए हमें जो करना होगा, जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे विद्यालय में तालाबंदी भी करेंगे। परिचय राकेश कुमार सिंह, प्रमंडल कार्यकारिणी, मगध प्रमंडल। इस समय से ये गृहांश चली आ रही है, आज किस तरह से आपने विरोध किया है? आज हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य इकाई के द्वारा, तो आपने सुना दोनों का क्या कुछ कर रहा था। देखिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो है आज गया में जो है गांधी गया के गांधी मैदान से मगध प्रमंडल आयुक्त के समक्ष जो है एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में था और प्रतिरोध मार्च जो है काफी शांतिपूर्ण से जो है निकाला गया। वहीं बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों शिक्षक जो है मार्च में शामिल थे। वहीं आज अपनी मांगों को लेकर पूरे बिहार में एक दिवसीय प्रतिरोध मार्च इन तमाम लोगों ने निकाला है। वहीं संजीव श्याम सिंह और राकेश कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर ले। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।